उत्तर प्रदेश में बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के आ चुके हैं परिणाम। कोरोना को देखते हुए सभी बच्चों के और सभी स्कूलों के परीक्षा परिणाम छात्रों के पूर्व परिणामों के आधार पर दिए गए, जिनमें से राज्य सरकार के निर्देशानुसार कुछ को छोड़कर सभी स्कूलों के परिणाम रहे 100%। ज्ञान न्यूज की टीम ने बुलंदशहर जिले के सिकंदराबाद में यूपी बोर्ड हाई स्कूल के परिणामों के लिए सभी स्कूलों का दौरा किया, जिनमें एमएस इंटर कॉलेज, जैन इंटर कॉलेज, अग्रसेन इंटर कॉलेज के साथ साथ कबाड़ी, स्वामी दयाल और अग्रवाल कन्या विद्यालय रहे। नगर में सर्वाधिक अंक लेने वालों में सरस्वती विद्या मंदिर, सरस्वती नगर एसडीएम कोर्ट के साधु यादव 91% से ऊपर अंक लेकर सिकंदराबाद टॉपर रहे। वहीं उसी संस्था के दयावती दीवान सिंह शुक्ल सरस्वती विद्या इंटर कॉलेज गुलावटी रोड के छात्र वासुदेव शर्मा रहे, जिन्होंने 89% से ऊपर अंक लेकर कॉलेज टॉप किया। ज्ञान न्यूज की टीम ने वासुदेव के घर जाकर वासुदेव और उनके माता पिता से बातचीत की, जहां हर्ष का माहौल था। ज्ञान न्यूज सिकंदराबाद से मनीष शर्मा की रिपोर्ट। जिले में उत्तर प्रदेश के बोर्ड जो है उसका रिजल्ट आ चुका है, परिणाम उसके आ चुके हैं हाई स्कूल के। और इस बार जिले के सिकंदराबाद में एक सरस्वती विद्या मंदिर और दयावती दीवान सिंह स्कूल, यही दो विद्यालय ऐसे रहे हैं जो कि नगर में प्रथम रहे हैं। और इस समय हम सरस्वती दीवान सिंह विद्या मंदिर के एक छात्र के यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ हर्ष का माहौल है कि बच्चे के बहुत अच्छे परिणाम उसमें मिले हैं हाई स्कूल के, उत्सव का माहौल है, बच्चे को मिठाइयां खिलाई जा रही हैं। और इस समय बच्चा भी ही जो छात्र है और उसके गार्जियन भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे कुछ बात करते हैं, जानकारी लेते हैं। मैं सबसे पहले आपको परिचय जानना चाहूंगा। मेरा नाम अमित कुमार शर्मा है। क्या करते हैं? मैं वकील हूँ, इनकम टैक्स और जीएसटी की प्रैक्टिस करता हूँ। आपके बच्चे को इतने अच्छे प्राप्त अंक मिले हैं, समथिंग 90% है, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा। और इसके पीछे आपकी या बच्चे की क्या क्या मेहनत रही? मेहनत तो देखिए बच्चे की होती है, हम लोग तो केवल उसको सपोर्ट ही दे सकते हैं, बाकी सारी मेहनत तो बच्चे की होती है। उसके गुरुजनों की मेहनत है, उसकी मेहनत है, साथ में उनकी माता जी ने बहुत प्रयत्न करा है इनके बच्चों की पढ़ाई के लिए, और इससे ज्यादा क्या हो सकता है। बेटा नाम बताएंगे अपना? वासुदेव शर्मा। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप? दयावती दीवान सिंह। दयावती दीवान सिंह, तो कितने प्रतिशत आपके मार्क्स आए हैं स्कूल में? 89। तो इसके लिए आपने क्या क्या कोशिश करके प्रयत्न करे होंगे? सुबह भी उठते होंगे पढ़ने के लिए? जी सुबह पढ़ते थे जी, बस एक रेगुलर टाइमिंग थी पढ़ने की। रेगुलर टाइमिंग थी, कई इसके पीछे कई बार ऐसा होगा टीवी भी देख रहे हैं, वीडियो गेम भी चला रहे हैं या बाहर भी खेले जा रहे हैं, उसको भी थोड़ा कुछ लगाना पड़ा होगा। मैं आपको परिचय जानना चाहूंगा। मेरा नाम सपना शर्मा है और मैं एक अध्यापिका हूँ सरकारी स्कूल में। तो मैं जानना चाहूंगा किस तरह आपने इसको बेटे को मोटिवेट करा पढ़ने के लिए, यूनिवर्सिटी जो बड़े अंक आए थे? एक तो पहली चीज तो बच्चे की खुद की लगन ही होती है, तो आप बस हमें तो थोड़ा सा प्रोत्साहित करना होता है बच्चे को, और बस समय से इसने सब कुछ अपना सिलेबस कम्प्लीट किया, हालांकि एग्जाम नहीं हुए वो एक अलग चीज है, लेकिन इसके जो पुराने नाइन्थ के और हाफ ईयरली के और जो बोर्ड के वैसे प्री बोर्ड मार्क्स थे वो ठीक थे, उसी के आधार पर इसको ये प्राप्त मिले हैं। बाकी तो उसके फ्यूचर प्लान क्या है बच्चे के लिए? फ्यूचर प्लान तो ये है कि अभी इसने कॉमर्स विद मैथ्स लिया है और इच्छा है इसकी बैंकिंग में जाने की, तो उसी के हिसाब से काम कर रहे हैं। तो आगे इसी तरह का इनका जो मार्क्स इस तरह के आए आगे भी ये रेगुलरली बनी रहे, इसके लिए कोई आपकी योजना है? हाँ जी, देखिए हाई स्कूल के उसमें तो कंपैरिजन में तो ट्वेल्थ ज्यादा मायने रखती है और टफ भी है, तो लेकिन मैंने उनको बताया है कि भाई मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि हाई स्कूल में जो प्राप्त अंक प्राप्त हुए हैं वो थोड़े से कम मेहनत पे भी हो सकते हैं, और इंटर में जो है वो थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तभी भविष्य में कुछ मिल पाएगा। जैसा कि बच्चे के गार्जियन ने बताया कि बच्चे को थोड़ा बहुत टाइम टेबल भी मैनेज करना पड़ा और अपने पढ़ाई में अनुशासन उसका रखना पड़ा, उसके बाद जब ही ये अपने स्कूल को टॉप कर पाए हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस वर्ष कोरोना काल की वजह से सभी जो विद्यालय हैं सीबीएसई बोर्ड के भी
और यूपी बोर्ड के भी सभी विद्यालयों में जो बच्चों को प्राप्तांक दिए गए हैं उनके पूरा पहले वाले अंकों के मिले हुए आधार पर दिए गए हैं। और इसी में जो नगर में जो हमने दौरा करा है, जहां का एमएस इंटर कॉलेज है, जैन इंटर कॉलेज है, अग्रसेन इंटर कॉलेज है और कबाड़ी कन्या विद्यालय है, उसके अलावा स्वामी दयाल कन्या विद्यालय है, अग्रवाल बालिका विद्यालय है, सभी स्कूलों में जाकर के हमने भ्रमण करा ग्राम न्यूज की टीम ने और सभी के हमने प्राप्तांक जो हाईएस्ट है वो लिए, जिनमें से नगर में सबसे ज्यादा प्राप्तांक प्राप्त करने वाले सरस्वती बाल विद्या मंदिर जो है यहाँ के एसडीएम कोर्ट में पड़ता है, वहां का एक छात्र है उसको सर्वाधिक अंक मिले हैं। बाकी उसी संस्था का दूसरा विद्यालय जो है दयावती दीवान सिंह विद्या मंदिर जो कहा जाएगा गुलाटी रोड पर पड़ता है, उसमें सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाला बालक यही बालक है वासुदेव शर्मा। और जैसा कि हमने बताया कि सिकंदराबाद के टॉपरों में नंबर वन है यही रहे हैं दो छात्र हैं और आगे इनका भविष्य ऐसा ही चमकता रहेगा ऐसी हम आशा करते हैं। कैमरा पर्सन मनोज गौतम के साथ मनीष शर्मा की रिपोर्ट, ज्ञान न्यूज सिकंदराबाद।